नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा जो क्या क्या प्रक्रिया होता है उसके बारे में देखेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, लॉक करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड इसमें कंप्लीट जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल निराला कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही हम कोई यूज़फुल वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने आपको इस पोर्टल में आ जाना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। जो भी अपना क्रेडेंशियल होगा, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपको यहाँ पे 7 स्टेप में आपको अपना आवेदन कंप्लीट करना है, ठीक है। आवेदन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को, दिशा निर्देशों को आपको सही से पढ़ लेना है। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। वीडियो को तो कंप्लीट देखना ही है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू में यहाँ पे आपको पहला स्टेप में वेब डिटेल में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने क्रेडेंशियल जो भी बनाया है उसका डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ऐड या फिर अपडेट डिटेल में डालना है। तो यहाँ पे हिंदी यूनिकोड में दर्ज करने के लिए सिर्फ इतना ही डिटेल को आपको फिल करना है हिंदी में, और इतना जो है बाकी डिटेल आपको इंग्लिश में ही फिल करना है, ठीक है। एक चीज़ वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जाति निवास से रिलेटेड, तो उसके बारे में इस वीडियो के थोड़ा सा अंत में देखेंगे। यहाँ पर आपको हिंदी में डाल लेना है। हिंदी में डालने के लिए, इनपुट करने के लिए हिंदी यूनिकोड या फिर गूगल इनपुट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी अपना गूगल इनपुट करता हूँ, जैसे ही हमने यहाँ पे अपना हिंदी में इनपुट कर लिया, फिर अदर बेसिक डिटेल में यहाँ पे फॉर्मर का या सॉरी फादर या फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय को डालना है, तो जो भी है आप उसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको राशन कार्ड डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंटली एबल मतलब दिव्यांग है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरा इस केस में दिव्यांग है जो कि हमारा स्टूडेंट, तो इसको यस करेंगे। यहाँ पर डिसेबिलिटी का कैटेगरी कौन सा है, तो कैटेगरी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सा कैटेगरी है, ठीक है। जो भी है उसको यहाँ पे आपको डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर उसका परसेंटेज डाल लेना है, कितना परसेंट में डिसेबिलिटी होगा, यदि है तब की बात है, अगर नहीं है तो इसको ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो कि कंपलसरी है दिव्यांग होने की केस में। तो मैं इसको ब्राउज करके इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। जो कि यहाँ पे 120 KB से नीचे में होगा, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं 120 KB से नीचे में। फॉर्मेट भी देखिए कि दोस्तों, आप जैसे मैंने इसको व्हाट्सअप से किया था तो ये नहीं ले रहा है, तो मैं इसको रीनेम करके कोई सा भी दे देता हूँ, ठीक है। अब ये आराम से ले लेगा, क्योंकि अभी ये यहाँ पे नहीं दे रहा है, लेकिन ये आराम से ले लेगा अपलोड। फिर आपको यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी डाल लेना है, जो कि आपने पहले भी डाला था, सेम उसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो कर लेना है। यहाँ पर अपलोड स्टूडेंट फ़ोटो भी डाल लेना है, स्टूडेंट का फ़ोटो भी आपको डालना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर डिटेल सॉरी रोल नंबर डालना ज़रूरी है, हाई स्कूल मतलब 10th क्लास का, ठीक है। रोल नंबर को फिर से कंफर्म कर लेंगे,
फिर पासिंग ईयर को आपको डाल लेना है किस ईयर में स्टूडेंट पास किया है। फिर बोर्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना है, CGBSE जो भी है। फिर यहाँ पे उसका परसेंटेज निकाल देना है। परसेंटेज निकालने के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेटर की यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। जितना भी प्राप्तांक है, मतलब ऑप्टेन मार्क है, उसको डिवाइड कर देना है कितने भी सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में निकल गया अपना। ठीक है, इसको डिटेल को करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, जैसे इसको सेव करेंगे यहाँ पे डाटा सेव का मैसेज आएगा। ये वैलिड फॉर्मेट में नहीं ले रहा है। चूँकि ये नहीं ले रहा है, इसलिए आप बेहतर होगा स्कैन करके ही अपलोड करें। काटे बुलाए तरमोसी के। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया है। अब इसको आपको डाटा को सेव कर लेना है। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे नेक्स्ट एकेडमिक डिटेल आ गया। यहाँ पे एकेडमिक डिटेल के लिए यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट कौन सा है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी है ITI है, कॉलेज है, उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे किस डेट में ये एडमिशन लिया है उसको यहाँ पे आपको डाल लेना है। इनरोलमेंट नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग डाल सकते हैं। इनरोलमेंट नंबर के लिए आप एक बार कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन से नंबर को डालना होता है, इसके लिए आप परेशान ना हो। फिर आपको करंट कोर्स का डिटेल डालना है कि एडमिशन आपको किस बेस में हुआ है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा, NRI कोटा, स्पोर्ट एडमिशन, मेरिट बेस, तो जनरली सभी का मेरिट बेस में ही हुआ है तो इसको कर लेंगे। रेगुलर कोर्स, फिर कोर्स का नेम डाल लेना है। यहाँ पे कोर्स कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा और करंट ईयर कौन सा है उसको डाल लेना है। यदि यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा कि यदि स्टूडेंट हॉस्टलर है तब की स्थिति में इसको यस करना है, अगर नहीं है तो इसको नो कर देना है। जैसे ही नो करेंगे तो ये आपको यहाँ पे डे स्कॉलर आ जाएगा। यदि इसको यस करेंगे तो हॉस्टलर आ जाएगा। यदि हॉस्टलर करता है तो हॉस्टल का भी स्कॉलरशिप यहाँ पे इंस्टीट्यूट के माध्यम से मिलता है, तो इसके लिए इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको प्रीवियस ईयर का आपको डिटेल डालना है, जो भी है, लास्ट ईयर कौन सा क्लास में था स्टूडेंट अपना, उसको डिटेल डाल देना है यहाँ पे। उसका रोल नंबर आपको डालना होगा लास्ट ईयर का। पासिंग ईयर डाल लेना है। परसेंटेज निकाल के उसको भी डाल लेना है यहाँ पे।
इंस्टीट्यूशन का नेम डाल लेना है, किस स्कूल में स्टूडेंट लास्ट ईयर को पास किया है तो उसको आपको डाल लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ठीक। लास्ट ईयर जो भी लास्ट ईयर हो स्टूडेंट का उसको ही आपको अपलोड करना होगा, वो भी 120 KB से नीचे में। तो हम लोग इसको देख लेते हैं प्रीव्यू करके। देख सकते हैं ये आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेना है आपको। अब आपका डाटा सक्सेसफुल सेव हो गया है। यहाँ पे आपको लास्ट में आपका बैंकिंग का डिटेल डालना है। बैंकिंग डिटेल डालने के लिए यहाँ पे पासबुक का डिटेल जो कि IFSC कोड वहाँ पे मेंशन होता है, तो उसको IFSC कोड डालेंगे तो ये बैंक का डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपको अकाउंट नंबर डाल लेना है स्टूडेंट का। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। केयरफुल्ली डालिएगा इसको। चलिए यहाँ पे हमने इस को भी सॉल्व करके इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डाटा सेव करेंगे, लास्ट यहाँ पे जो कि मेन टॉपिक है यहाँ पे देखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि अभी या कुछ दिन पहले पेपर में भी उसको छपा हुआ था जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही लेगा करके, तो यहाँ पर यहाँ ऑप्शन दिया गया है जो कि इस साल के लिए ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो इसको यस कीजिए। यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर डाल के इसको गेट सर्टिफिकेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा उसका फेच करके। यदि नहीं है आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको नो करके, जैसे इसको नो करेंगे फिर आपको सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है और किस डेट में इशू हुआ है उसको डालना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है जो कि PDF, JPG और उसका 120 KB से नीचे के साइज़ में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप परेशान ना हो कि मेरे पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं है करके, तो सेम प्रोसेस है इसमें भी आप कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी उसको कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में हमारा जो स्टूडेंट है उसके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो हम इसको यस में करेंगे। और जैसे ही यस में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आप जाति जो होता है उसका आपको रेफरेंस नंबर जो कि इसको इनपुट कर लेना है। जैसे ही इनपुट करेंगे, ठीक है, जो कि 070 से स्टार्ट होता है उस वाले नंबर को याद रखिएगा। जैसे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे फिर आपको गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट में क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका डिटेल दे देगा, यहाँ पर सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसको आई एक्सेप्ट ओके वाले में क्लिक करना है, कंसेंट देना है, फिर इसको सेव एंड अपलोड कर देना है। जैसे इसको अपलोड करेंगे आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। अब आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट के लिए सेम वही प्रोसेस करना होगा। यहाँ पे है तो इस ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो इसको यस करिएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डालिएगा। फिर आपको गेट्स ऑनलाइन सर्टिफिकेट में क्लिक करना होगा, यहाँ पर डिटेल आ जाएगा जिसका भी होगा उसका, यहाँ पे फिर उसको सेव एंड अपलोड कर देना है। लास्ट में यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का भी डालना होगा। इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कितना है उसको आपको डाल देना है। इनकम को कंफर्म कर लेना है। फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट है तो यस सेम प्रोसेस है,
ऑनलाइन ऑफलाइन का। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना है, गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट करेंगे। यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, इशू डेट भी यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, और ज़्यादा दिन जैसे एक्सपायर या फिर जो भी होता है उसको ये लेता नहीं है, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपका सारा डिटेल, आपका यहाँ पे जितना भी 6 स्टेप था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। लास्ट स्टेप लॉक एप्लीकेशन करना होता है। जब तक आप लॉक एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आपके इंस्टीट्यूट में आपका जितना भी डाटा है एप्लीकेशन वो फॉरवर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉक करने से पहले आप सारा चीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पे आप जितने भी आपने इनपुट किया है तो यहाँ पे उसका डिटेल देखने को मिल जाएगा, उसको कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही लॉक करिएगा। लॉक करने के बाद यदि कोई सा भी गलती हो जाता है तो आप परेशान ना हो, आप अपने इंस्टीट्यूट में जाके जो भी स्कॉलरशिप का आपका प्रभारी होंगे उनसे आप कॉन्टेक्ट करके, या फिर उनसे कॉन्टेक्ट करके अपना जो भी डिटेल गलत हुआ है उसको एडिट करा सकते हैं। तो कई लोग पैनिक हो जाते हैं कि मैंने यहाँ पे गलत कर दिया और लॉक भी कर दिया करके। यदि यहाँ तक लॉक लॉक करने से पहले गलत हो जाता है तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन लॉक हो जाने के बाद आप इंस्टीट्यूट से ही आप उसको एडिट करा सकते हैं, ठीक है। लॉक करने तक ही आप सीमित रह सकते हैं। डिटेल आपका सही हो उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट में क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे लॉग एंड फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लॉक करने के लिए आपको एक मैसेज आएगा यहाँ पे, यदि आप लॉक करना चाहते हैं तो इसको यस में क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हम इसको यस में क्लिक करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन हमारा लॉक हो गया और इंस्टीट्यूट में ये फॉरवर्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन कर देना है। जैसे प्रिंट एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका PDF में डाउनलोड हो जाएगा। फिर इस तरीके से कुछ फॉर्म जो आपने इनपुट किया है उसका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि हार्ड कॉपी में इस तरीके से PDF में सेव होता है, इसको आपको प्रिंट करके स्टूडेंट को दे देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी वीडियो ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बने रहें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कोई हम नया वीडियो डालें तो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।